भविष्यवाणी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसका मतलब क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान इस शब्द से वाकिफ है। दोस्तों, सन 2020 शुरू हो चुका है और इस साल के लिए भी कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां बाबा वेंगा के द्वारा की गई हैं। बाबा वेंगा की आज तक एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है, यही कारण है कि ये इन दोनों चर्चाओं में हैं। कौन है ये बाबा वेंगा और किस तरह की भविष्यवाणियां की हैं इन्होंने सन 2020 के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को नास्त्रदमस फ्रॉम द बालकन के नाम से जाना जाता है। वह 1911 में पैदा हुई थी और 1966 में उनकी मौत हो गई थी। 12 साल की उम्र में बाबा वेंगा ने अपनी आंखें खो दी थी। इसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने उन्हें चीजों को पहले ही देख लेने की एक शक्ति प्रदान की है। उन्होंने जितने भी भविष्यवाणियां की हैं वे सभी सच हुई हैं। फ्रांस अमेरिका में आतंकी हमले से लेकर सुनामी और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणी की थी उन्होंने, जो एकदम सटीकता से सही हुई है। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने आने वाले साल 2020 के लिए चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। बुल्गारिया की भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने मरने से पहले 85 साल की उम्र में 2020 के लिए कई भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वेंगा के मुताबिक यूरोप में 2020 में मुस्लिम कट्टरपंथी अपने चरम पर होंगे। इसके अलावा नए साल में प्रलय और आपदाएं जैसी कई स्थितियां बनेंगी। कई जगह सूखा पड़ने की भी आशंका है। उन्होंने इस बात के लिए लोगों को आगाह किया है कि आने वाले साल में लोग धर्म के आधार पर विभाजित हो सकते हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक यूरोप में रासायनिक हमले की भी चेतावनी दी गई है। बाबा वेंगा का ये दावा है कि इस दौरान यूरोपीय महाद्वीप का अस्तित्व अपने अंत के करीब पहुंच सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है जिसके मुताबिक साल 2020 में चीन मुख्य महाशक्ति बनकर उभरेगा। चीन के साथ भारत और रूस दुनिया पर राज करेंगे। वेंगा ने साल 2020 में यूरोप के आर्थिक पतन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हत्या के प्रयास की भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया है कि पुतिन के लिए खतरा उनके देश के भीतर से ही आ सकता है। भविष्यवक्ता वेंगा के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई रहस्यमय बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो बहरे हो सकते हैं और इसका असर उनके दिमाग पर भी पड़ेगा। वेंगा का कहना है कि साल 2020 में पूरी दुनिया में उथल पुथल मची रहेगी। प्रलय और आपदाएं जैसी कई स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लोगों की सोच में बदलाव दिखेगा। वेंगा का कहना था कि साल 2020 में मुश्किल वक्त आएगा और लोगों को उनके धर्म के आधार पर विभाजित किया जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में कई ऐसी विनाशकारी घटनाएं होंगी जो मानवता के मायने को बदल देंगी और लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। भविष्यवाणी के अनुसार 2020 में ब्रह्मांड में जीवन की खोज की जाएगी और ये पता चलेगा कि आखिर पृथ्वी पर जीवन पहली बार कैसे आया। भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि आने वाले 200 वर्षों में लोग अध्यात्मक के जरिए दूसरी दुनिया के संपर्क में आएंगे। 2020 में पृथ्वी को थोड़ी राहत मिलेगी, पेट्रोल और डीजल का उत्पादन बंद हो जाएगा, ट्रेन सूर्य की रोशनी से दौड़ेगी। साल 2020 में सौर ऊर्जा पर बहुत काम किया जा रहा है, इसलिए वेंगा की भविष्यवाणी को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। वेंगा की माने तो नए साल में तीन दिग्गज देश एक साथ आएंगे और पूरी दुनिया पर इनका राज होगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा वेंगा के द्वारा सन 2020 के लिए की गई भविष्यवाणियां। देखते हैं कि इनमें से कितनी सच साबित होती हैं और कितनी नहीं। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज तक बाबा वेंगा की एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है, यही कारण है कि इन दिनों ये चर्चाओं में हैं। वैसे वक्त बताएगा कि कितनी भविष्यवाणियां सच होंगी और कितनी नहीं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए इस भविष्यवाणियों के बारे में अपने विचारों को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल मिस्ट्री पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि भविष्य में आने वाली रोचक वीडियो आपसे मिस ना हो।